नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब वक्त है 15 सेकंड में खबर का। गुजरात के मांडवी पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अस्पताल गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों से मिले, अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का जाना हाल। गुजरात के बाद राजस्थान पहुंची तूफानी हवाएं, बाड़मेर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, बाड़मेर आने जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, एक शख्स की मौत, डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। मनोहर हत्याकांड पर हिमाचल के चंबा में बढ़ा बवाल, प्रशासन ने पूरे चंबा में 60 दिन के लिए लगाई धारा 144। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर गए। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में विधायकों का राष्ट्रीय अधिवेशन, देशभर के सभी पार्टी के विधायकों ने लिया हिस्सा। सिवनी के बरघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने गाए देशभक्ति गीत। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दिया बयान, कहा 2500 चुने हुए कार्यकर्ताओं से पीएम करेंगे बात, 10 लाख बूथ और 15,000 मंडलों पर कार्यकर्ता सुनेंगे संवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे भोपाल एयरपोर्ट पर, वीडी शर्मा और मंत्री सारंग ने किया स्वागत। बुरहानपुर पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम, पार्टी के कार्यक्रम में बोले, पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहती है पाकिस्तान की भी जनता। बुरहानपुर पहुंचे खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, स्कूटी पर सवार होकर बुरहानपुर की गलियों में घूमते आए नजर, शहरवासियों से पूछी उनकी समस्याएं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई पर हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, बबलू तोमर पर बदमाशों ने की थी कार चढ़ाने की कोशिश। आगरमालवा में छात्रों की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का किया घेराव, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। सीहोर के जिला अस्पताल में सुरक्षा के नाम पर तैनात आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज के परिजनों को पीटा। आगरमालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे शख्स की हत्या, धारदार हथियार से वार कर हमलावर हुए फरार, गुस्साए ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। आगरमालवा जिले में नलखेड़ा के पास करंट की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर की मौत, हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने बुझाई आग। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी ने होटल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस को मौके से मिला 5 पेज का सुसाइड नोट, 2 पुलिसकर्मी सहित उनके साथियों पर प्रताड़ना का। बुरहानपुर के शाहपुर में खेत में पड़े पेड़ पर फांसी लगाकर किसान ने की आत्महत्या, जमीन का कुछ हिस्सा डैम में जाने से 22 वर्षीय युवक था परेशान, बिना मुआवजा फसल पर चला दिया था बुलडोजर। सिंगरौली पुलिस को साइबर सेल की मदद से मिली बड़ी कामयाबी, अलग अलग इलाकों से चोरी हुई लोगों के 105 मोबाइल पुलिस ने किए बरामद। शिवपुर में जनपद सीईओ के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे जनपद पंचायत सदस्य की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों की टीम ने शुरू किया इलाज, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कर रहे अनशन। दतिया में 20,000 लीटर शराब पर चला रोड रोलर, 16 थानों के 349 मामलों में जब्त की गई थी शराब, करीब 40 लाख रुपए कीमत की शराब को किया गया नष्ट। भोपाल में पुराने सिक्के बदलने के एवज में लाखों की ठगी, लाखों रुपए देने का लालच देकर ठगी, रिटायर्ड कर्मचारी से 5 लाख रुपए ठगी। राजगढ़ में हुए अपहरण कांड में खुलासा, चचेरे भाई ने अदनान की अपहरण की रची थी साजिश, 1 करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती, आरोपी चचेरा भाई गिरफ्तार। शाहजहांपुर के मक्सी में नकाबपोश बदमाशों ने की एटीएम तोड़ने की कोशिश, अलार्म बजने के बाद फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। खरगोन जिले के बसावा में अवैध रूप से डीजल बिक्री का खुलासा, पुलिस ने छापा मारकर जब्त किया करीब 10,000 लीटर डीजल, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीहोर के रहटी में चोरों ने कार से उड़ाया रुपयों से भरा बैग, व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर 4 लाख रुपए लेकर हुए फरार, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में पलटी बारातियों से भरी पिकअप, हादसे में 20 लोग हुए घायल, पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, ग्राम नौरूमारा गांव के पास हुआ हादसा। मजार बनाने के नाम पर जमीन कब्जा का सनसनीखेज मामला, कलियासोत के पास धड़ल्ले से बनाए जा रहे अवैध मजार, 4 साल पहले भी इसी जगह पर हुए निर्माण। एमपी में आदि पुरुष फिल्म के विरोध को लेकर सियासत जारी, कांग्रेस ने सरकार और मनोज मुंशीर पर
उठा सवाल, पूछा सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दी ये फिल्म। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की हसरत लिए छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंची शिवरंजनी तिवारी, वापस लौटी बालाजी सरकार के दर्शन कर लौटी। कल से मध्य प्रदेश में दिखेगा तूफान बिपरजॉय का असर, ग्वालियर चंबल सागर और जबलपुर में भारी बारिश की आशंका, भोपाल धार भिंड सीहोर सहित कई जिलों में बरस सकते हैं बदरा। राष्ट्रीय जल समारोह में बजा मध्य प्रदेश का डंका, सर्वश्रेष्ठ राज्य का मिला पुरस्कार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंत्री तुलसी सिलावट को किया सम्मानित। ये मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां तेज, जायजा लेने दिल्ली से आएंगे कई बड़े नेता, 27 जून को प्रधानमंत्री का भोपाल दौरा। चुनावी साल में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी, भोपाल दफ्तर में पीएम के प्रस्तावित दौरे पर मंथन, सीएम शिवराज सहित दिग्गज नेताओं के बीच चर्चा। इंदौर के होटल में व्यापारी की खुदकुशी से सनसनी, कमरे से मिला 5 पेज का सुसाइड नोट, पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप, 20 लाख की डिमांड करने की लिखी बात। बड़वानी में व्यापारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण, दुकान से उठा ले गए 3 बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शाजापुर में कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, बिजली के खंभे से टक्कर के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। उज्जैन में व्यापारी से 1 करोड़ की धोखाधड़ी, नकली डीडी से हरियाणा में निकाली राशि, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मरना में दमकल प्रभारी के चैंबर में शराब पार्टी, निगम कमिश्नर ने 3 कर्मचारियों को पकड़कर लगाई फटकार, थमाया नोटिस। मरना में ग्वालियर से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस ट्रक में घुसी, हादसे में 3 यात्री की मौत, 7 की हालत गंभीर, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। नमो में जबलपुर मार्ग पर ट्रक से टकराई यात्री बस, हादसे में 30 यात्री घायल, ग्राम हथनी के पास हादसा, पुलिस ने घायलों को भी भेजा अस्पताल। ग्वालियर में बिजली व्यवस्था का जायजा लेने रात में निकले ऊर्जा मंत्री डीडी नगर, शताब्दीपुरम इलाके में डोर टू डोर लिया सर्वे, केबल बदलने के दिए निर्देश, अफसरों को लगाई फटकार। सतना में मंचले की आई शामत, अश्लील कमेंट करने पर महिला ने जमकर पीटा, तमाशबीनों की लगी भीड़। सिवनी में नगर पालिका परिषद का एक्शन, काम छोड़कर भागने वाली कंपनी से वसूले 5 करोड़ से ज्यादा की रकम, प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। उज्जैन में सीवरेज के ढक्कन से टकराई युवक की बाइक, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई बाइक, ठेकेदार की बड़ी लापरवाही आई सामने, घटना का सीसीटीवी आया सामने। नीमच में गुस्साई महिला ने कैंट थाने के बाहर उड़ाए 500 के नोट, शिकायत पर कार्रवाई न होने से थी नाराज, महिला ने लगाया भ्रष्टाचार का। सख्ती से बड़ी खबर है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवकों की जान।